हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे ग्रामर पर बेस्ट कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 50 से शुरू करते हैं। कह रहे सी इज इग्नोरेंट। सी इज इग्नोरेंट मतलब होता है अनजान है। व्हाट सी प्रिटेंड्स टू नो कि यानी वह क्या जानने के लिए बहाना करती है। तो ये है फ्रेंड्स इग्नोरेंट के साथ जो प्रीपोजिशन होगा वो आप हो जाएगा। सी इज इग्नोरेंट ऑफ। आपको बता दें ये जो क्वेश्चन है इक्वली टीजीटी पीजीटी के साथ साथ बिहार जो टीजीटी पीजीटी है उसके लिए फुल्ली इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं। एज सीप आर टू फ्लॉक सो आर कैटल। तो कह रहे हैं कि अगर जो भेड़ होते हैं उनके झुंड को हम फ्लॉक बोलते हैं तो कैटल के झुंड को क्या बोलेंगे? हर्ड बोलेंगे। अर्थात पशुओं के झुंड को हम हर्ड बोलेंगे। एक बात और ध्यान रखिए, टीजीटी में ये क्वेश्चंस या पीजीटी में क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। डॉग्स बार्क लायंस रोर बट फॉक्स क्रोक हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी कुत्ते भौंकते हैं, शेर दहाड़ते हैं, लेकिन जो मेंढक होते हैं वो क्रोक क्रोक का आवाज़ करते हैं। ध्यान रहे कोयल का कू हो जाएगा, ब्लीट का क्या बोलते हैं गोट हो जाएगा, और क्लक हमको लग रहा है कि वॉच जो घड़ी होता है क्लक की आवाज़ करता है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो ऑप्शन होगा फ्रॉग का वो हो जाएगा क्रॉक। विच प्रोनाउन शुड बी यूज इन द सेंटेंस। तो कह रहे हैं कि व्हेन यू हैव सीन द फोटोज प्लीज रिटर्न देम टू मी। देम हो जाएगा, फोटोज के लिए हम देम का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंसर्ट द करेक्ट फॉर्म पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल आपको बता दें तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट और परफेक्ट। तो कह रहा है कि कौन सा, तो रिटायरिंग टीचर ही जो रिटायरिंग टीचर होगा नहीं, रिटायर्ड टीचर होगा। पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। यानी आपको बताया ना जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो बेसिकली एडजेक्टिव के रूप में होता है। आगे कह रहे हैं द ऑब्जेक्ट टर्न्ड आउट टू बी स्पिनिंग टॉप। तो यहाँ ऑप्शन है मोमेंटिंग, मूव्ड, मूविंग। तो मूव्ड हो जाएगा, सॉरी मूविंग हो जाएगा, मूव्ड नहीं होगा फ्रेंड्स, मूविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द मूविंग ऑब्जेक्ट टर्न आउट टू बी ए स्पिनिंग टॉप। कह रहे हैं जो घूमते हुए या चक्कर लगाते हुए जो ऑब्जेक्ट है ना वो किस में बदल गए, टू बी ए स्पिनिंग टॉप में बदल गए। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट इन्फिनिटिव। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स इन्फिनिटिव का, तो टू प्लस एम भी का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो उसी ओर देख लीजिए टू रीच हो जाएगा, टू रीच देयर इज डिफिकल्ट। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, इन्फिनिटिव का पूछा है। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट इन्फिनिटिव इज डिफिकल्ट अ सीनर, तो सीओर टू प्रे हो जाएगा, टू प्रे इज डिफिकल्ट फॉर अ सीनर। यानी पापियों के लिए प्रार्थना करना बहुत ही कठिन काम है। ये टीजीटी 2005 में पूछा गया है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं 10 pounds। देखिए 10 pounds मुद्रा की बात कर रहा है, मनी डॉट डॉट है, तो हो जाएगा ये पाउंड्स है, लेकिन हम क्रिया का जो यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे। तो इज द लॉट ऑफ है, इज अ लॉट ऑफ हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 pounds इज अ लॉट ऑफ मनी। जैसे बोला जाता है ना कि 2 miles इज नॉट लॉन्ग डिस्टेंस, समझ में आ रहा है ना। तो वहाँ पर क्रिया जो है भले ही से माइल्स है या 2 pounds है, लेकिन क्रिया जो है हम सिंगुलर यूज करते हैं। आगे बढ़े 59 की बात करते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, देखिए वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी मित्रों में से कोई एक है, उसी ओर है सिंगुलर वर्ब की हम बात करेंगे, तो हैज हो जाएगा, हैज अ फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। ठीक है, नेक्स्ट है इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। ये कंडीशनल सेंटेंस है कंप्लीट करने के लिए बोला है, तो श्योर है कि आई के साथ वेयर का प्रयोग हुआ है, और यह स्पेशली मिथ्या वाले जो शब्द होते हैं जो काल्पनिक चीज़ें होती हैं उसके लिए आते हैं, तो वुड का प्रयोग करेंगे। यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सेकेंड जो क्लाज है आई वुड हेल्प द पुअर हो जाएगा। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं लोगों की मदद करता या गरीबों की मदद करता, वुड का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि सम पीपल डॉट डॉट देमसेल्व्स इनटू बिलीविंग दैट दे आर इंडिस्पेंसेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी लूड हो जाएगा। यानी जो सम पीपल डिलूड, डिलूड का मतलब होता है फ्रेंड्स भुलाना, यानी कुछ लोग अपने आप को भुला देते हैं स्वयं में, इनटू बिलीविंग मीन्स विश्वास करते हुए, दैट मीन्स कि दे आर इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है अनिवार्य होते हैं, दियर ऑर्गेनाइजेशन यानी उस संगठन के प्रति बहुत ही जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ डिल्यूड हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 61 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डिल्यूड। और डिल्यूड का मतलब होता है भुलाना। फूल का मतलब आप जानते हैं मूर्ख होता है, डिसी मने धोखा देना होता है। और जो शब्द है डिनिग्रेट,
डिनिग्रेट जो शब्द है वह होता है बदनाम करना, ठीक है, बदनाम करना। तो यहाँ पर डिल्यूट शब्द जो सही है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दे डॉट 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 टू गो टू स्कूल बाय बस, तो गो हो जाएगा फ्रेंड्स, दे गो टू स्कूल बाय बस, ATGT 2003 में पूछा गया है। द क्लर्क वाज उल्डअप हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उल्डअप हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उल्डअप का मतलब है खींचा गया, यानी क्लर्क को खींचा गया कहाँ, बाय द ऑफिसर्स, ऑफिसर्स द्वारा, फॉर हिज नेजलिजेंस, नेजलिजेंस का मतलब उसके लापरवाही के लिए उसे उल्डअप किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। हाउ सॉरी आवर हाउस वाज अ फ्यू डेज एगो, तो देखिए आवर हाउस वाज ब्रिक, ब्रिक है ना, तो हो जाएगा ब्रिक नहीं, ब्रोक इंटू हो जाएगा। ब्रोकन इंटू का मतलब होता है सेंध, सेंध लगना, सेंध लगना, मतलब आप ऐसे समझिए इंटर बाई फोर्स, इंटर बाई और ज़बरदस्ती घर में घुस करके चोरी कर लेना, वो सेंध लगाना होता है, ब्रिक इंटू का मतलब, यानी इंटर बाई फोर्स। तो यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रिक ब्रोकन इंटू हो जाएगा, और हाउस वाज ब्रोकन इंटू अ फ्यू डेज एगो, ठीक है। आई हैव नॉट बीन सिनेमा फॉर एजेस, मैं लंबे समय से मैं सिनेमा नहीं देखा है, लेकिन हम लोग पहले जाया करते थे, तो यूज़ टू हो जाएगा फ्रेंड्स, यू यूज़ टू गो अलॉट, यानी हम लोग पहले जाया करते थे लेकिन अब देखे हुए लंबे समय बीत गया है। द चाइनीज हैव इन्वेंटेड प्रिंटिंग, तो देखिए अगर हैव की बात करते हैं, देखिए चाइनीज है तो हैव इन्वेंटेड प्रिंटिंग, यानी जो चाइनीज लोग हैं ना वो क्या किए हैं, प्रिंटिंग को क्या किया, इन्वेंट किए हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हैज नहीं होगा। द बेबी हैज ओकन अप है, अप है तो श्योर है कि हम जाएंगे ऑप्शन सी की ओर, ओकन अप हो जाएगा। नेक्स्ट है द मोर हिमांशु ट्राई टू फाइंड एक्सक्यूज, जितना ही हिमांशु एक्सक्यूज पाने की कोशिश किया फॉर इज कमिंग लेट ऑफिस, ऑफिस अपने ऑफिस में लेट आने का, उतना ही वह क्या हो गया, तो ऑप्शन सी है कि उतना ही वह फ्लैट स्पिन हो गया, वाज इन अ फ्लैट स्पिन, उतना ही वह फ्लैट स्पिन हो गया, ठीक है, ये तो ए हो जाएगा ऑप्शन सी। बार्सिलोना द वर्ड टू द मॉन्टजुइस स्टेडियम, तो कह रहा है कि यह वेलकम्ड हो जाएगा, बार्सिलोना जो है वेलकम किया द वर्ड मैंने संसार को टू द मॉन्टजुइस जो स्टेडियम है उसमें, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतिम नहीं अभी है, बात करते हैं 70 का। एस्टरडे एट स्कूल आई वाज स्टार्टलेड हो जाएगा, आई वाज स्टार्टलेड बाई द इको ऑफ द रोर लाफ्टर, अर्थात स्टार्टलेड में होता है अचंभित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है, कोई आवाज़ सुन करके। और आज का 71 और लास्ट क्वेश्चन है वी वेयर हो जाएगा, वी वेयर स्टार्टलेड बाय स्ट्रेंज साउंड, यानी एक अजीब आवाज़ सुन करके हम लोग क्या हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो गए। ये रहा है आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।